हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे विंडो के काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल के बारे में। ये टूल का नाम है स्निपिंग टूल। ये टूल सबसे पहले विंडोज विस्टा में आया था, उसके बाद से जितने भी विंडो के वर्जन हैं सभी में उपलब्ध है। तो इस टूल को खोलने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहिए, यहाँ पे आएगा विंडोज एक्सेसरी करके। ये रहा विंडोज एक्सेसरीज के अंदर आपको मिलेगा स्निपिंग टूल। ये है टूल। इस टूल के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं एक आपको और इजी तरीका बता देता हूँ इस टूल को ओपन करने के लिए। इसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, स्टार्ट पे रन में जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए स्निपिंग टूल। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो पहले ही टाइप किया हुआ है, यहाँ पे ओके कर दीजिए। यहाँ से भी स्निपिंग टूल खुल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ स्निपिंग टूल के बारे में। स्निपिंग टूल जो है, इससे आप अपना पूरा जो स्क्रीन है उसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मोड आप देख सकते हो, फ्री फॉर्म स्निपिंग है, फ्री फॉर्म स्निप मोड है, ये है रेक्टेंगुलर स्निप मोड, ये है विंडो स्निप और ये है फुल स्क्रीन स्निप। अगर मैं फुल स्क्रीन स्निप करता हूँ यहाँ पे, तो पूरे का पूरा जो मेरा स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो, उसके बाद उसको सेव कर सकते हो कहीं पे भी, फाइल सेव एज, जहाँ पे भी आपका मन है वहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरे इसके मोड्स बता देता हूँ आपको। ये देखिए, जब भी आप करेंगे स्निप, इसके लिए न्यू पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से मोड सेलेक्ट कर लें किस मोड में आप यूज कर रहे हो। अगर आप फ्री फॉर्म स्निप करोगे तो आपके पास एक ये कैंची के जैसा साइन आ जाएगा, और जो भी चीज की आप फोटो खींचना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उतने एरिया का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इतना समझे मैंने, मेरे को चाहिए था तो मैंने ये सेव कर लिया। ठीक है, एक तो ये हुआ, और अलग से जो मोड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बाकी से। एक मोड है ये रेक्टेंगुलर स्निप, इसमें आप एक रेक्टेंगुलर स्निप खींच सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं इस एरिया के इसका विंडो का खींच लेता हूँ रेक्टेंगुलर। ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर स्निप है। ठीक है, उसके बाद जो इसका अगला वाला जो मोड है वो है विंडो स्निप, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अभी है फुल स्क्रीन स्निप। ये देखिए, ये फुल स्क्रीन स्निप हो गया। ठीक है, ये ऑप्शंस है। स्निप करने के बाद आप सीधा सेव एज करें, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और लोकेशन सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आपने इसको सेव करना है। यहाँ पे इसका नाम भी आप दे सकते हो, जो मर्जी लिख लीजिए यहाँ पे। तो ये मैं इधर सेव कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे। और याद रखें कि यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते कौन से आप फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हो। आपको जिप भी मिल जाएगी, जेपैक भी मिल जाएगा, सिंगल फाइल एचटीएमएल भी मिल जाएगा, और पीएनजी भी। मैं बाय डिफॉल्ट पीएनजी ही करता हूँ, लेकिन जैसी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप इन चारों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा, मैंने सेव कर लिया इसको। ये देखिए, ठीक है, तो ये था स्निपिंग टूल, काफी आपके काम आएगा ये। अगर आप स्निपिंग टूल को काफी बार यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्निपिंग टूल को स्टार्ट मेन्यू में पिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करके विंडोज एक्सेसरीज के अंदर जाना होगा। विंडोज एक्सेसरीज के अंदर आपको स्निपिंग टूल मिलेगा। स्निपिंग टूल पे राइट क्लिक करें, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगी पिन टू स्टार्ट। तो आप देखोगे कि राइट साइड में वहां पिन टू स्टार्ट पे मेरा स्निपिंग टूल आ गया है।
तो ये था वीडियो स्निपिंग टूल के बारे में, आशा करता हूँ आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।